नमस्कार, आप देख रहे हैं वर्सो पानीपत और मैं हूं आपके साथ सोनम। सुबह के इस खास अंक में आप सभी का स्वागत है। स्मालखा के गांव छदिया में करंट लगने से दो सगे भाइयों की हुई मौत, लोहे के खंभे के कारण हुआ हादसा, जबकि दो साथी और झुलसे। पानीपत में जिला रेडक्रॉस रक्त सेंटर के लिए राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने दी रक्तदान बस की सौगात, राज्यपाल ने दिखाई हरी झंडी। हरियाणा विधानसभा मानसून सत्र के दौरान विधायक प्रमोद विज ने गत दिनों हुई युवक की मौत हो जाने का जिक्र करते हुए उठाया गोवंशियों का मुद्दा, बोले गौशालाओं की ऐसी करे फंडिंग की गायों को रखने से ना करे मना। पानीपत में फिर से बढ़ते कोरोना के केस, 181 दिनों बाद फिर से मिले कोरोना के 22 केस, इसमें बुजुर्गों की संख्या सबसे ज्यादा। स्वतंत्रता दिवस पर इस बार भाभरा स्टेडियम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल फहराएंगे तिरंगा, तैयारियां हुई शुरू। मॉडल टाउन में मकान के विवाद में जीजा ने साले पर किया चाकू से हमला, पीड़ित ने पुलिस को दी शिकायत। सीआईए वन पुलिस की टीम ने एक आरोपी को 31 ग्राम स्मैक सहित किया गिरफ्तार, नशा तस्करों के ठिकानों का पता लगाने और गहनता से पूछताछ करने के लिए आरोपी को लिया गया 7 दिन की पुलिस रिमांड पर। चोरी की एक्टिवा सहित आरोपी गिरफ्तार, एक्टिवा को आरोपी बेचने जा रहा था यूपी में, पकड़े गए आरोपी को कोर्ट में पेश कर भेजा गया जेल। विश्व पुलिस और फायर गेम्स में महिला कुश्ती के 76 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीतकर लौटी महिला हेड कांस्टेबल संतोष को एसपी शशांक कुमार सावन ने सम्मानित कर दी शुभकामनाएं। थाना सनोली पुलिस की टीम ने गश्त के दौरान यमुना बांध के पास से एक युवक को अवैध चाकू सहित किया गिरफ्तार, पकड़े गए आरोपी को कोर्ट में पेश कर भेजा गया जेल। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, ताजा अपडेट के लिए जुड़ रहे वर्सो पानीपत के साथ नमस्कार। I'm the one.